मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ के सदर प्रखंड के मनीरामपुर में 2,55,00,000 की लागत से पुल का शिलान्यास किया। आलमगीर आलम ने कहा कि बुनियादी समस्या को लेकर झारखंड सरकार बेहद ही प्रयत्नशील है। एक पुल का बहुत दिनों का यहाँ के लोगों का विचार था कि यहाँ पर एक पुल बने। बरसात के मौसम में ये पुल नहीं रहने के कारण करीब करीब 15-20 गांव को इसमें दिक्कत हो रही थी। अब आगमन बंद हो जाता था, जिसमें आपका एक नहीं अनेक गांव है। आपका गांव का नाम भी हम बता रहे हैं, मणिरामपुर, गन्हाईपुर, भवानीपुर, चाँचकी, पृथ्वीनगर, नया अंजना, जयकृष्णपुर, नवादा, रहसपुर, इसहाकपुर, संग्रामपुर, नरमपुर, इलामी, तारानगर, ऐसे गांव का आगमन बाधित हो रहा था। और आज को उस पुल का हम लोग शिलान्यास किए हैं और ये करीब करीब 130 से 40 मीटर का फीट का रोड होगा। 81 मीटर का, 200 से ऊपर नहीं, 81 मीटर का रोड है, 81 मीटर पुल है और एक क्या बोलते हैं 130 फीट का आपका ये होगा, पुल होगा। और ये पुल हो जाने से यहाँ के लोगों का आने जाने में, व्यापार करने के में सुविधा ही होगी, इसलिए हम लोग इसका आज उद्घाटन भी शिलान्यास किए हैं। और जो संवेदक है उनसे भी बात हुई कि हम बरसात के पहले इस पुल का तैयार देखना चाहते हैं, ताकि यहाँ की लोगों का जो आकांक्षा है कि बरसात में जाने की हमें तकलीफ होता है, तो इस पुल का निर्माण भी बरसात के पहले होना चाहिए। गांव के लोगों से हमने अपील किया है कि आप भी सहयोग कीजिए, पुल का गुणवत्ता भी आप लोग देखिए और जल्द से जल्द जो भी काम आता है क्षेत्र में उसका काम का निष्पादन समय पर हो, इस दिशा में आप जनता से भी अपील किया गया है। और ये भी आज बात रखने की काम किए कि जो कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार है, अब अगले महीना में हम उसको उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और यहाँ किसानों से हम कहते हैं कि आप लोग जाकर वहाँ पर लिस्ट कराइएगा, आपका जो आलू या प्याज या दूसरा फसल, फल भी रख सकते हैं, महुआ भी रख सकते हैं, वैसे चीज़ों का आप रखिए। समय जब पड़ा, दाम जब बढ़ेगा तब उसको बेचिए, ताकि आपको 2 पैसा हो, आपका परिवार के लिए थोड़ा अच्छा हो। और हल्का फुल्का यहाँ के लोगों का 2 डिमांड था, एक दिघी पोखरा में हाजीकुल जी उठाए थे कि सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए भी हम उस दिशा में आश्वासन दिए हैं, दिघी पोखरे सौंदर्यीकरण करेंगे। और अब वर्तमान मुखिया जो है मजूर अहमद साहब, वो भी उठाए थे कि हमारा यहाँ एक स्टेडियम बनाया जाए, लड़का बच्चा आजकल खेल के तरफ आगे बढ़ रहा है, बच्चा चाहता है कि खेल के मैदान में अपना भी हम हुनर को दिखाएं। और उस दिशा में सरकार भी इस बात का निर्णय लिया है कि हर पंचायत मुख्यालय से लेकर पंचायत तक खेल प्रेमी जो लड़का है उसको आगे बढ़ाकर खेल के दिशा में आगे बढ़ाना होगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।